इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। देश के आम आदमी के लिए उड़ान स्कीम शुरू हो गई, जिसके जरिए अब आम आदमी के लिए सस्ते हवाई सफर का सपना साकार हो गया। पीएम मोदी ने 27 अप्रैल को उड़ान स्कीम के तहत शिमला से दिल्ली के बीच की पहली फ्लाइट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश का गरीब हवाई चप्पल पहनता है और वो चाहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में बैठे। हवाई यात्रा में हवाई चप्पल वाला नजर आना चाहिए और सब उड़े सब जुड़े। उड़ान योजना के तहत 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए 2500 रुपए लगेंगे, यानी उड़ान योजना के तहत हवाई यात्रा की कीमत टैक्सी से भी कम होगी। एक घंटे के सफर की कीमत महज 2500 रुपया रखी गई है। इसी आधार पर अन्य रूटों का भी किराया निर्धारित किया गया है। हर फ्लाइट में 50% सीटें 500 किलोमीटर या 2500 रुपए एक घंटे के रेट पर होगी। 128 रूट्स और 5 ऑपरेटरों को उड़ान स्कीम में शामिल किया गया है। कानपुर से दिल्ली के लिए स्पाइस जेट की सेवा अगस्त से शुरू होगी। कानपुर से वाराणसी और दिल्ली के बीच सितंबर में एयर ओडिशा के विमान उड़ान भरेंगे। अलायंस एयर आगरा से जयपुर की उड़ान जून में शुरू करेगी। अगस्त में एयर डेक्कन ने आगरा और दिल्ली के बीच उड़ान सेवा शुरू होगी। दिल्ली शिमला के बीच अलायंस एयर और एयर डेक्कन मई से उड़ान भरेगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर से बिलासपुर और बिलासपुर से रायपुर के 20 सितंबर में एयर ओडिशा की सेवा शुरू होगी। जगदलपुर से रायपुर और विशाखापत्तनम के बीच सेवाएं सितंबर में शुरू होगी। इस महत्वाकांक्षी स्कीम का फायदा सीधा सीधा आम लोगों को मिलेगा। मोदी सरकार में अब हर गरीबों का सपना पूरा होगा।